नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। ट्विटर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो ट्वीट्स को बताया भ्रामक। ट्विटर ने ट्रंप के इस ट्वीट के साथ जसपा की फैक्ट चेक वार्निंग। वहीं ट्विटर के इस कदम के बाद भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, ट्विटर पर लगाया अमेरिकी इलेक्शन में दखल अंदाजी करने का आरोप। चीन और हांगकांग के बीच चल रहे मसले को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाए जाने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, इसकी घोषणा आप इस सप्ताह के अंत तक करेंगे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। लद्दाख में विवाद को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों से की अपील। कहा, जो चीनी नागरिक भारत में रह रहे हैं और वापस अपने देश आना चाहते हैं तो ऐसे लोग 27 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वहीं चीन के साथ नागरिक ऐसे भी हैं जो अपने राष्ट्रपति की अपील के बाद भी चीन वापस नहीं जा सकेंगे। दरअसल इन सातों चीनी नागरिकों पर भारत में मुकदमा चलेगा। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह मुकदमा दर्ज किया। तबलीगी जमात से जुड़े एक मामले में उनके खिलाफ कई आरोप, कुल 83 विदेशी जमातियों को आरोपी बनाया गया। कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के पांचवें चरण का खाका तैयार। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5.0 में पीएम मोदी जल्द कर सकते हैं मन की बात। लॉकडाउन 5.0 में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी शहरों में बढ़ाया जा सकता है छूट का दायरा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शहर शामिल। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। कोरोना से 56 लाख से अधिक लोग संक्रमित और 3 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। वहीं 24,30,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार, तो अब तक 4,337 लोगों ने गंवाई जान। वहीं 60,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। सऊदी अरब में रविवार से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। सऊदी अरब के उड्डयन मंत्री ने दी जानकारी। 1 जून तक कर्फ्यू भी पूरी तरह से हटाने की उम्मीद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर दो इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से की चर्चा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक से की चर्चा। चर्चा के दौरान कोरोना के वैक्सीन पर प्रोफेसर झा ने कहा कि अमेरिका, चीन और ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन रिसर्च के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पहले वैक्सीन अगले साल तक आने का भरोसा है और भारत के लिए 50-60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेसर झा के मुताबिक कोरोना 1 या 1.5 साल की समस्या नहीं बल्कि 2021 में भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। हाई रिस्क वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत। हम बड़ी महामारियों के दौर में जा रहे हैं। कोरोना कोई आखिरी नहीं है। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी की शुरुआत हो रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए। दूसरी ओर प्रोफेसर जोहान का यह कहना कि भारत में सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन सख्त होगा तो अर्थव्यवस्था जल्दी बर्बाद होगी। तेजस विमान स्क्वाड्रन वायुसेना में हुआ शामिल। एयरफोर्स चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने भरी तेजस में उड़ान। स्क्वाड्रन का नाम दिया फ्लाइंग बुलेट। तमिलनाडु के कोयंबटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को एचएएल से खरीदा। नवम्बर 2016 में वायुसेना ने 50,025 करोड़ रूपये में 83 तेजस मार्क 1 की खरीद को दी मंजूरी। इस डील पर अंतिम समझौता करीब 40,000 करोड़ रूपये में हुआ, यानी पिछली कीमत से करीब 10,000 करोड़ रूपये कम। तेजस चौथी पीढ़ी का हल्का विमान है। इसकी तुलना अपने जनरेशन के सभी फाइटर जेट्स में सबसे हल्के विमान के तौर पर होती है। स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही वायुसेना को इस साल 36 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से मिलने जा रही है। इस बीच तेजस की एक नई स्क्वाड्रन का शामिल होना राहत भरी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी पार्टियों की बुलाई बैठक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम महाराष्ट्र में डिसीजन मेकर नहीं। इस बयान के बाद सीएम उद्धव ठाकरे की ओर से आनंद फानंद में सहयोगियों से मंथन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया कोविड 19 मॉलिकुलर लैब का उद्घाटन। सीएमआर में वीसी के जरिए जेएनयू हॉस्पिटल में किया उद्घाटन। डॉक्टर्स ने सीएम गहलोत को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी लैब के बारे में जानकारी। लैब के उद्घाटन के दौरान सीएम ने कहा कोविड 19 ने पूरी दुनिया को हिलाया। देश में आजादी के बाद पहली बार कोरोना महामारी के रूप में आई इतनी बड़ी त्रासदी, लेकिन प्रदेश सरकार ने महामारी को लिया गंभीरता से। प्रदेश में तेजी से टेस्टिंग सुविधा को बढ़ाया।
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन। पीसीसी कार्यालय में पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेसी नेताओं ने नेहरू के चित्र पर किए पुष्प अर्पित। कार्यकर्ताओं से नेहरू के बताए मार्ग पर चलने की अपील। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। आईसीसी के निर्देश पर देशभर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर केंद्र से करेंगे मांग। आयकर के दायरे में नहीं आने वाले लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की करेंगे मांग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में किया निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं का यहां पर निरीक्षण करने के साथ ही मरीजों से पूछी कुशलक्षेम। इमरजेंसी से मरीजों की भीड़ को व्यवस्थित करने के दिए निर्देश। कहा मरीजों के इलाज में ना हो कोई दिक्कत। भोपाल जेल में 10 दिन से बंद जमातियों को हाईकोर्ट से मिली राहत। जेल में बंद 8 जमातियों को जबलपुर हाईकोर्ट ने दी जमानत। जमातियों में 5 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान और 2 बिहार के लोगों पर दर्ज हुआ मामला। वीजा की शर्तों और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज हुई एफआईआर। 15 मई को तलैया पुलिस ने मस्जिद से किया था गिरफ्तार। देश के 7 करोड़ ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। अब व्हाट्सएप से होगी गैस की बुकिंग। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्राहकों की सुविधा के लिए की घोषणा। व्हाट्सएप एलपीजी बुकिंग नंबर किया जारी। लू की चपेट में राजस्थान समेत उत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाके। राजस्थान में 50, दिल्ली में 47.6 डिग्री पहुंचा तापमान। यूपी में 47 डिग्री, हरियाणा में 48 के पार पहुंचा पारा। आईएमडी ने असम और मेघालय के लिए 28 मई तक बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप का सोर्स कोड किया पब्लिक। हामी ढूंढने पर मिलेगा इनाम। ऐप को लेकर लॉन्च के बाद से ही प्राइवेसी को लेकर उठने लगे थे सवाल। तमिलनाडु स्थित नोकिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 42 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर प्लांट में लगा ताला। कर्मचारियों में डर का माहौल। प्रशासन ने किया सभी को क्वारंटाइन। टी20 वर्ल्ड कप का 2022 तक टलना लगभग तय। कल आईसीसी की बैठक में हो सकता है ऐलान। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर नवंबर में होना है टी20 वर्ल्ड कप। आईसीसी बोर्ड सदस्यों की बैठक गुरुवार को। इस साल आईपीएल करवाने की बड़ी संभावना। कोरोना की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की आएगी गिरावट। रेटिंग एजेंसी पिच रेटिंग्स ने लगाया अनुमान। कहा कोरोना वायरस की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन नीति लागू। इससे आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त गिरावट आई जिसका सीधा असर जीडीपी की वृद्धि दर पर। श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन जयपुर से पहुंची कन्नौज। ट्रेन में 425 श्रमिकों के आने के लिए प्रशासन को कार्रवाई उपलब्ध। जिसमें कन्नौज, फरुखाबाद, हरदोई जिले के श्रमिक थे शामिल। लेकिन 425 की जगह महज 160 मजदूर ही उतरे ट्रेन से। प्रवासी श्रमिकों को लेकर जयपुर से कन्नौज पहुंची ट्रेन से 265 मजदूर गायब। मजदूर कहां चले गए और क्या हुआ इसकी कोई स्थानीय प्रशासन के पास जानकारी नहीं। 160 मजदूर कन्नौज रेलवे स्टेशन पर उतरे। उन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें भेज दिया गया घर। यूपी के आगरा में कोरोना संक्रमण को खुलेआम दिया जा रहा न्योता। जगनेर मार्ग पर मिली सड़क पर खुलेआम पीपीई किट। पीपीई किट में मासूम बच्चों का लकड़ी ले जाते हुए वीडियो वायरल। जयपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया शिलान्यास। कहा योजना में 576 फ्लैट और मकान बनाए गए जिसके लिए 750 लोगों ने किया आवेदन। लॉकडाउन के कारण अजमेर के 8 छात्र तजाकिस्तान में फंसे। परिवार के लोगों ने लगाई सरकार से गुहार। कहा भारतीय दूतावास की ओर से नहीं दी जा रही कोई सहायता। कोटा की भामाशाह मंडी में किसान परेशान। मंडी गेट पर करना पड़ रहा है किसानों की एंट्री के लिए इंतजार। मंडी प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। पेयजल तक नहीं किसानों के लिए इंतजाम। चित्तौड़गढ़ में एसीबी का घूसखोर अधिकारियों पर शिकंजा। 2 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दुकानदारों से रिश्वत लेते दबोचा। दुकान पर खाद्य सामग्री बेचने का आरोप लगाकर केस नहीं बनाने और सैंपल नहीं लेने के एवज में 10,000 की ली थी रिश्वत। राजधानी के बगरों में शव मिलने से फैली सनसनी। कस्बे के बालाजी पार्क में मिला युवक का शव। सुरेश शर्मा के रूप में हुई शिनाख्त। मौत के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या मामले में आरएलपी भी उग्र। अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मामले की सीबीआई जांच की हुई मांग। सवाईमाधोपुर के बौली में पेयजल समस्या को लेकर भाजपा नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। तहसीलदार कमल पचौरी को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बीसलपुर पेयजल योजना का लाभ नहीं देने का प्रशासन पर आरोप। सीकर के दादारामगढ़ निवासी बीएसएफ जवान महेंद्र सिंह का असामयिक निधन। जवान महेंद्र सिंह को तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। इस दौरान जवानों ने दी गार्ड ऑफ ऑनर
देकर अंतिम विदाई। कोटा में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से की गई 3 माह के बाद बिजली माफ करने की मांग। इस दौरान मंदिर में किया सद्बुद्धि यज्ञ। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने दी यज्ञ में आहुतियां। नागौर के मकराना में विप्रो फाउंडेशन की ओर से कोरोना वॉरियर्स का किया गया सम्मान। इस दौरान पत्रकार, डॉक्टर, समाजसेवी और साथ ही सरकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर की गई हौसला अफजाई। जालौर के भीनमाल स्थित वार्ड 4 में पीने के पानी के लिए हाहाकार। वार्डवा से 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने को मजबूर। कई बार शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग अधिकारी नहीं ले रहे सुध। लॉकडाउन के कारण श्रीगंगानगर के विजयनगर में बैंक के बाहर लगी लंबी कतार। 3 दिन से बैंक बंद होने से उमड़ी लोगों की भीड़। सरकारी एडवाइजरी की यहां उड़ी धज्जियां। लोगों की भीड़ देख नोटबंदी की यादें हुई ताजा। गंगानगर के श्री विजयनगर में लू और गर्मी का सितम जारी, तो सिख सेवादारों ने लगाई मीठे पानी की छबील। राहगीरों को शरबत पिलाकर दी जा रही राहत। पाली के मारवाड़ जंक्शन स्थित वोपारी गांव के युवाओं की अनूठी पहल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कराया पनघट का निर्माण। महिलाओं ने पनघट पर की पूजा अर्चना। गांव के युवाओं पर जताया आभार। उदयपुर के सलूम्बर में प्रशासन और व्यापारियों ने लिया निर्णय। सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगी दुकानें। अनावश्यक घूमने पर रहेगी पाबंदी। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। बारा में समाजसेवी मनोज प्रजापति का सराहनीय कार्य। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की कर रहे सेवा। हर रोज 400 लोगों तक पहुंचा रहे भोजन, तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए 1 लाख रुपए। झुंझुनू के चिड़ावा में ई मित्र आधार नामांकन सेवाओं का नहीं हुआ विस्तार। आदेश के बाद शहर में खोला गया एकमात्र आधार सेंटर, जबकि सभी आधार नामांकन सेंटर खोलने का आदेश। सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन। एवन तेज में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।